नमस्कार प्यारे साथियों, कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित है पटवारी की तैयारी को लेकर, क्योंकि उन्हें डर है कि सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर डिमोटिवेट करते हैं, हमसे कहते हैं तू क्या पटवारी बनेगा या तुम क्या पटवारी बनोगी, इस तरीके से यहाँ पर हमसे बातें करते हैं और हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें कुछ बातों को समझना होगा कि सक्सेस यानी सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। सफलता पाना केवल ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठ गए और पढ़ने लग गए, नहीं। सफलता पाने के लिए हमें कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ती है। सबसे पहली बात यह कि हमारी जो संगति होनी चाहिए, जो हम जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिनसे बातें कर रहे हैं, है ना, वो लोग ऐसे होने चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करे, जो हमें सपोर्ट करे, जो हमें अप्रिसिएट करे। ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारी पैर पकड़े और पैर पकड़ कर ही नीचे ले आए, नहीं। ऐसे लोगों से सबसे पहली बात तो ये कि दूर रहना है। दूसरी बात यह कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि तुम पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो उनसे मना कर दीजिए। हमें दिखावा नहीं करना है यार, कुल मिलाकर बात यह है, हमें अपनी तैयारी पर फोकस करना है। हमें अपना एक एक सेकंड यहां पर बचाकर रखना है, किसी दूसरे के लिए हमारे एक एक सेकंड की यहां पर जो वैल्यू है, उस वैल्यू को खराब नहीं करना है। हमें हमारा पूरा टाइम पढ़ाई पर देना है। अगर कोई कह रहा है तुम नहीं बन सकते, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। सफलता आपका सबसे अच्छा जवाब रहेगी ऐसे लोगों के लिए, याद रखना। आप डरते हो, अरे यार कोई मेरे से क्या कह रहा है या कोई मुझसे कैसी बातें कर रहा है, अगर मैं नहीं बन पाया तो क्यों बताना है भाई? आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में रखिए। मेरी जिंदगी है, मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मुझे पटवारी बनना है नहीं बनना है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? अगर इनके बोलने से ही तुम पटवारी बनोगे, तो फिर इनसे कहो कि तुम खूब बोलो, हम पटवारी बन जाएंगे। और इनके बोलने से, इनके मना करने से नहीं बनोगे, तो इसका मतलब ये कि इनसे कह दो कि तुम बोले जाओ। तो कहने का मतलब ये होता है कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। खुद पर बिलीव रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, एक एक सेकंड की कीमत समझिए। अपने टारगेट पर डेली टारगेट बनाइए, उसे लगातार प्रयास करते हुए उसे प्राप्त करते चलिए। निश्चित तौर पर पटवारी बनेंगे। कोई ऐसा है नहीं कि कोई दूसरा ग्रह से कोई व्यक्ति आएगा और वो पटवारी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ही ऐसी एग्जाम को सफल बनाते हैं। और जिंदगी के एग्जाम से तो बहुत छोटा एग्जाम है, तो यकीन मानिए, अच्छे से मेहनत करिए, ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए एग्जाम तक। और जैसे ही एग्जाम निकलेगा, तो आपको कहने की जरूरत है नहीं, खुद लोग वो कह देंगे कि यार हमें पता था ये मेहनत पूर्ण रूप से कर रहा था, ये मेहनत पूर्ण रूप से कर रही थी, इसने हमारी बातों को भी नहीं सुना, दोस्तों की शादी तक नहीं गई, यहाँ तक कि दोस्तों की शादी में नहीं गए, और तमाम जो बातें हैं उनके जो मत है उसके बाद बदलने वाले हैं। तो अच्छे से मेहनत कीजिए और खुश रहिए, खुश रहते हुए तैयारी कीजिए, इतनी चिंता लेनी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।